आज के डिजिटल एरा में सोशल मीडिया लोगों की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है। ये न केवल दुनिया भर के लोगों से जुड़ने का जरिया बन चुका है, बल्कि इन्फॉर्मेशन का भंडार, इंटरटेनमेंट का सोर्स और अब बिजनेस में भी अहम किरदार निभा रहा है। इसलिए हर साल 30 जून को सोशल मीडिया डे मनाया जाता है, जो सोशल मीडिया की इम्पोर्टेंस और इसके सोसाइटी पर पड़ने वाले इफेक्ट्स के बारे में बताता है। नमस्कार, मैं शेख जोया, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। सोशल मीडिया डे की शुरुआत साल 2010 में हुई थी, जब मेशेबल नाम की एक सोशल मीडिया कंपनी ने इसे मनाने का फैसला किया था। इस दिन का मकसद लोगों को सोशल मीडिया की पावर्स और इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स के बारे में जागरूक करना था। तब से ये दिन दुनिया भर में मनाया जाता है, जिसमें लोग अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं और सोशल मीडिया के इस्तेमाल से होने वाले फायदों के बारे में चर्चा करते हैं। बताते चले कि 1997 में एंड्रयू वेनरिच ने पहली सोशल नेटवर्किंग साइट 6degrees लॉन्च की, जो कि 2001 में बंद हो गई। फिर 2002 में फ्रेंडस्टर, माइस्पेस और फेसबुक जैसी साइट पॉपुलर हुई। वहीं आज ट्विटर, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट और ऐसी कई और सोशल मीडिया साइट मौजूद है, जिनको यूज किए बगैर अब हम रह नहीं पाते। हम कुछ भी खाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो फौरन उसे स्नैपचैट पर स्ट्रिक के लिए भेज देते हैं, इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर देते हैं। सोशल मीडिया किसी भी चीज का जश्न मनाने का एक बहुत ही सार्थक तरीका है, लेकिन उसके साथ ही हमें ध्यान रखना है कि दूसरों को गलत सूचना के बारे में शिक्षित करें और इससे उसे कैसे निपटना है इसके बारे में भी बताएं। फर्जी खबरों की पहचान करने के लिए टिप्स शेयर करें और सूचना की विश्वसनीय तरीकों को बढ़ावा दें। वर्ल्ड सोशल मीडिया डे पर सोशल मीडिया के पॉजिटिव इफेक्ट्स के बारे में बताएं। आज के समय में हमें सोशल मीडिया की तरफ एक सकारात्मक योगदान देने की जरूरत है, इसमें हमारे भागीदार बने। ऐसे तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए द नगरी न्यूज। शुक्रिया।